सहरसा रेलवे जंक्शन पर कोरोना पीड़ित एक महिला को देखकर रेलवे प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि एक महिला पैसेंजर ट्रेन से सहरसा जंक्शन उतरी, लेकिन वो अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बेहोश हो गई। इसकी सूचना मिलने के बाद स्टेशन प्रबंधन ने एम्बुलेंस मंगाकर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। एक ट्रेन पूर्णिया साइड से आई थी एक नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो ओवरब्रिज के नीचे में एक 30-32 उम्र साल उम्र की एक महिला प्लेटफॉर्म के ओवरब्रिज के नीचे में लेटी हुई मिली। जैसे ही हम लोग को पता चला, हमने तुरंत सदर अस्पताल सहरसा को फोन किया और डीपीएम साहब को, उन्होंने बोला कि हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं और हम लोग वहाँ पर प्रयासरत रहे। उनके बाद SDO साहब, सदर SDO साहब सिविल के, उनको भी फ़ोन किया। ITF साहब पंकज बाबू ये भी थे, GRP के भी स्टाफ थे, और सबों के सहयोग से एम्बुलेंस आने के पश्चात हम लोगों ने उसको एम्बुलेंस पर रख करके सदर अस्पताल को भेज दिया। उसके साथ हमारी RPF की टीम, दो सब इंस्पेक्टर गए हुए हैं जो वहाँ पर सदर अस्पताल में कोई दिक्कत ना हो, और हम लोग आशा करते हैं कि मरीज जो है स्वस्थ होकर के